मैं केजी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज टांक। आज मैं दबिस्ताने दिल्ली के पार्ट सेकंड से मुतालिक गुफ्तगू करूंगा। पिछला पार्ट फर्स्ट दबिस्ताने दिल्ली से मुतालिक पार्ट था। पार्ट सेकंड में हम दबिस्ताने दिल्ली की खुसूसियात पर गुफ्तगू कर रहे थे। आज कुछ जो बचे हुए खुसूसियात हैं उनके बारे में गुफ्तगू करता हूँ। पड़ी जिस तरफ को निगाहें या नज़र आ गया है, खुदा ही वाह यह है। गो की आँखों की पुतलियाँ मेरे दिल में जाए, बता नहीं सोजो गुदाज। मैं आपको जिक्र करता हूँ कि दबिस्ताने दिल्ली की जो खुसूसियात है वो सोजो गुदाज बहुत ही अहमियत है। दिल्ली की शायरी का यह एक खास रंग है। मेरे से मीर से लेकर जफर तक हर शायर के यहाँ सोजो गुदाज मौजूद है। सियासी माहौल माशरत की बदहाली ने शोराए दिल्ली को मुतासिर किया है। इनकी शायरी सैकड़ों दिलों की धड़कन बन गई। दिल्ली के शोरा के कलाम में सोजो गुदाज नज़र आता है। वह अपनी शायरी में अपने रंज व गम का इजहार करते हैं। मैं चंद अशहार मुलायजा फरमा रहा हूँ। मेरी किस्मत में गम या रब इतना था, दिल भी या रब कहीं दिए होते हैं। गुल को है सबात न हमको है एतबार, किसी बात पर चमन ओस रंग व बू करें। आँखों से जो पूछा हाल दिल का, एक बूंद टपक पड़ी दिल की। इक्तसार शायरी की वह खूबी है जिसके जरिए दो मिसरों में वह बात कह दी जाती है जो बड़ी से बड़ी तकरीरों में मुमकिन नहीं है। दिल्ली के शोरा ने इस खूबी को कसरत से पेश किया है और इक्तसार से अपने बुलंद ख्यालात का इजहार किया है। इशारों और कनायों में अपने दिल की बात और सियासी व समाजी हालात पेश किए हैं जिसमें उशन व इसके वारदात जिंदगी और कायनात के असरात, सियासी हालात और मौजू को इक्तसार के कोचे में मायने के जरिए बहा दिया है। हस्ती अपनी हवाब की सी है, यह नुमाइश शराब की सी है। अहम गोई पर मैं गुफ्तगू करूँगा और इसकी खुसूसियात फेस करूँगा। अहम गोई से दबिस्ताने दिल्ली का कोई भी शायर आज़ाद न होने हो सका। वाली से लेकर हर शायर ने लफ्जी सनत गेरी के करके इस रुझान के ऊपर खास तौर पर तवज्जो दी है। खुद दिल का मुझे शराब हुआ, जिगर शोक था कबाब हुआ। और मैं आगे दबिस्ताने दिल्ली की सादा और सलीस जबान का इस्तेमाल वांग हुआ है। दिल्ली के शोरा ने अपने कलाम में सादा और सलीस जबान का इस्तेमाल किया है। चंद में अशहार आपको मुलाहिजा फरमाता हूँ। सीना व दिल की असरतों से छा गया, सीना व दिल असरतों से छा गया। बस हजूम यास जी घबरा गया, वाहे नाकामी के वक्ते मर गए ये साबित हुआ। ख्वाब था जो कुछ
कि देखा जो सुना अफसाना था। इसके अलावा देहली के शोरा ने टकसाली जबान का इस्तेमाल किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, गुफ्तगू करूँगा कि दबिस्तान ने देहली में एक टकसाली जबान इस्तेमाल की गई। यहाँ के शोराओं ने अपने अदब में एक टकसाली जबान इस्तेमाल की गई। हमारे आगे तेरा जब कसू ने नाम लिया, दिल सितम जदा को हमने थाम थाम लिया। लतीफ़ इस्तारे और तस्वीयात का इस्तेमाल इसमें किया गया। दिल्ली के शोराए ने अपने कलाम को लतीफ़ इस्तारा व तस्वीया से आराइस्ता किया है। इससे उर्दू शायरी में दिलकश और सुगुफ्तगी पैदा हो गई। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। मैं इतना ही बताऊंगा। थैंक यू, शुक्रिया।